दोस्तों आज के एपिसोड में हम बहुत ही रोचक और मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे, जो है क्या होगा अगर पृथ्वी से सारे इंसान गायब हो जाए। मतलब यदि पृथ्वी से हम सारे इंसान अचानक ही किसी वजह से गायब हो जाए या खत्म हो जाए तो क्या होगा। वैसे तो ऐसा होना नामुमकिन लगता है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर 7.5 अरब से भी ज्यादा लोग हैं और इतने लोगों का एक साथ खात्मा हो जाना ना के बराबर है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर पृथ्वी पर क्या होगा, क्या घटनाएं घटेगी, पृथ्वी का दृश्य कैसा होगा। लेकिन हम जानेंगे तर्क और विज्ञान के आधार पर। दोस्तों इस वीडियो में हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ इंसानी सभ्यता का ही अंत हो रहा है और दूसरा कि हम इंसान एक साथ खत्म हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टॉप इनको पॉइंट। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय है, सभी लोग अपनी रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं और ये क्या हुआ, अचानक ही किसी वायरस या किसी अनजान कारण के चलते पृथ्वी के लोग गायब हो रहे हैं। बस कुछ ही पलों में पृथ्वी से इंसानी सभ्यता का वजूद ही खत्म हो चुका है। अब जो सबसे पहले हुआ, बाइक, कार, यातायात के व्हीकल, छोटी मोटी मशीनें, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स जो इंसानों की मदद से चलते हैं, सब अपना संतुलन खो चुके हैं। सिटी और हाईवे पर जो व्हीकल चल रहे थे वे आपस में टकरा रहे हैं। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स पृथ्वी पर नीचे गिरे जा रहे हैं। पटरी पर दौड़ती ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं और बड़े हादसे कर रही हैं। मशीनों और फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने वाले हम इंसान ही नहीं हैं। इस वजह से फूड फैक्ट्री, कोल और पावर प्लांट्स, गैस नियंत्रण, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और सभी प्रकार की अन्य औद्योगिक कंपनियां और फैक्ट्रियां संतुलन खो चुकी हैं। बिजली बनाने वाले बहुत से यंत्र बेकाबू होकर खराब या नष्ट हो गए हैं। सिर्फ बांध और सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली अब भी बन रही है। दुनिया भर के बहुत से शहरों में बिजली गुल हो चुकी है, उससे चलने वाली मशीनें बंद पड़ चुकी हैं। शहरों में अब पानी और गैस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है, इसकी वजह से विस्फोट होकर बहुत जगहों पे आग लग रही है। दुनिया में कुल 435 न्यूक्लियर स्टेशंस हैं। इनकी हीट ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग प्लांट से पानी को पंप किया जाता है, पर बिजली नहीं होने की वजह से न्यूक्लियर टेम्परेचर अपनी हद पार कर चुके हैं। यूरेनियम पिघल कर आग पकड़ लेता है और रेडिएशन छत फाड़ चारों तरफ हवा पानी में घुल जाती है। सोडियम 90 और सेशियम 137 के आकाश में बादल मंडराने लग जाते हैं। न्यूक्लियर स्टेशन के बहुत दूर तक पेड़ पौधे, पशु पक्षी खत्म हो जाते हैं और जमीन सालों के लिए बंजर हो गई। पहाड़ों, समुद्रों और दूर दराज के जंगलों में इस घटना से पशु पक्षियों और वनस्पतियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। पहले रात में बड़े शहर जगमगाते दिखते थे, पर अब अंधकार में डूब चुके हैं। इंसानों के अंत के एक सप्ताह बाद दुनिया भर में पृथ्वी के भूगर्भ से लाखों करोड़ों लीटर पानी निकालने वाली मानव सभ्यता अब नहीं रही। इसके फलस्वरूप भूसपाटी में ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चढ़ने लगा है। पानी के बढ़ जाने से पातालवासी जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। मुस्कों के झुंड शहरों के मॉल, दुकानों और घरों में खाने लायक चीजों पर टूट पड़ते हैं। जंगली प्राणी इंसानों की बिना दखल के बहुत ही हैरान है। पाले गए पालतू जानवर और घरों में बंद कुत्ते, बिल्ली और पशु पक्षी भूख से मरने लगे हैं। दुनिया भर के बहुत से शहरों में लगी आग अब बुझने लगी है। कई शहरों में पानी की कमी है तो कहीं पर बाढ़ के हालात हैं। अब मानव सभ्यता खत्म होने के एक महीना बाद कुछ उपग्रह बिना नियंत्रण के कारण पृथ्वी पर गिरने लगे हैं। गांवों और शहरों में जंगली जानवर आने लगे हैं। घरों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से घरों में मिट्टी और गंदगी होने लगी है। सड़क किनारे और सड़क पर भी छोटे मोटे प्लांट्स उग आए हैं। इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने वाले जीव बिना इंसानी मदद के अब जिंदा नहीं रह पा रहे। विमान, मोटर कार्स और फैक्ट्रियां अब प्रदूषण नहीं फैला रही हैं, इसलिए अब वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगा है। पानी में भी गंदगी और प्रदूषण नहीं आ रहा है। नदियों का पानी भी शुद्ध होने लगा है। एक साल बाद आधुनिक घरों और इमारतों का रखरखाव करने वाले अब कोई नहीं है। इस वजह से मशरूम और पीपल जैसे और भी पौधे कंक्रीट में अपने मूल गाड़ कर उन्हें खरोचने शुरू कर देती हैं, जो धीरे धीरे मकानों को क्षति पहुंचा रही हैं। यही हाल शहरी रास्तों और पुलों का है। शहरों और घरों के आसपास पहले से ज़्यादा घास फूस और हरियाली दिख रही हैं। जंगली जानवर अब जंगलों में रहने की ही तरह शहरों में भी रहने के आदि हो रहे हैं। बिना प्रदूषण से हवा पानी और भी शुद्ध हो गई हैं।
हवा से CO2, कार्बन और अन्य अशुद्ध कणों के नीचे बैठ जाने से आसमान में कई नए तारे और पिंड दिखाई देने लगे हैं, जो हम औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं देख पा रहे थे। पर अफसोस की बात, अब ये सब देखने के लिए मानव सभ्यता बची नहीं है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपना एल्टीट्यूड खोकर पृथ्वी पर गिरने लगे हैं, मानव सभ्यता खत्म होने के 10 साल बाद। साफ सफाई में ब्रेक लगने के कारण चारों ओर पेड़ पौधे और बिखरी पत्तियां पड़ी हैं। घर इमारतों का ढहने का सफर शुरू होने लगा है। ये इमारतें पहले खंडर में और फिर मिट्टी में बदलने लगी हैं। समय बीतने के साथ इस मिट्टी में घास फूस और वनस्पति उगने लगी हैं। शहरों में जंगली प्राणियों का वास हो गया है। इंसानों के ना रहने से समुद्री जीव पर्यावरण अब ज्यादा तेजी से फल फूल रहे हैं। बहुत सी जमीनी और समुद्री दुर्लभ प्राणी प्रजातियां विकसित होने लगी हैं। 100 साल बाद रोड, पुल, मकान, इमारतें कुदरती घटनाओं बिना मरम्मत के नष्ट हो चुके हैं। बचे कुछ मजबूत मकान और प्राचीन इमारतें अब संकट के घेरे में हैं। पृथ्वी का वातावरण बहुत बदल गया है। चारों तरफ हरियाली और उत्तरी दक्षिणी पोल पर बर्फ ज्यादा दिखने लगी है। 1000 साल बाद शहरों और आधुनिक इमारतों का अस्तित्व अब नहीं रहा। पिरामिड्स वगैरह अपनी सूरत बदल चुके हैं। दूसरी ओर इंसानों के बच्चे, पालतू जानवर, प्राकृतिक क्रमिक विकास के चलते काफी बदल गए हैं। गाय वैसे अपने लुप्त हुए जंगली आदि पूर्वज ऑरेंज जैसी अवस्था में आ जाएंगे और पालतू कुत्ते फिर से जंगली भेड़िया या हंटिंग डॉग जैसे बन जाएंगे। कई सालों से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुला नहीं है। CO2 सालों से होती बारिश के पानी से होते हुए समुद्री किनारों पर जम गया। इस वजह से वातावरण बहुत शुद्ध हो चुका है। चारों तरफ घने जंगल उभर आए हैं। 10,000 साल बाद पृथ्वी का तापमान हिमयुग की शुरुआत करने के लायक हो चुका है। यूं तो हिमयुग की शुरुआत कब की हो चुकी है, लेकिन मानव सभ्यता द्वारा कार्बन को वातावरण में लगातार ऐड करने की वजह से रुका हुआ था। 1,00,000 साल बाद न्यूक्लियर स्टेशनों द्वारा कुछ जगहों पर फैला रेडिएशन हजारों सालों पहले खत्म हो चुका है, जो इस बात का सबूत भी मिटा देता है कि पहले मानव सभ्यता बसी हुई थी। पर अब मानव द्वारा भेजे गए लाखों सालों पहले अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल किसी गैलेक्सी के ग्रह पर बस रहे बुद्धिमान एलियंस सभ्यता ने कैच कर डिकोड किया होगा। पृथ्वी पर हिमयुग चल रहा है, समुद्रों का पानी जमा हुआ है, छोटी नई प्रजातियां भी विकसित हुई हैं, जिनकी विकसित होने की शुरुआत लाखों सालों पहले ही हो चुकी थी। चंद्रमा पर इंसानों के फुटप्रिंट को सालों से गिरते उल्का पिंडों ने मिटा दिया है। 10 करोड़ साल बाद विकास क्रम के चलते इंसानों की इस खाली जगह को भरने के लिए चिंपांजी विकसित हुए। चिंपांजी और इंसानों का जेनेटिक ब्लूप्रिंट वैसे भी 98% मिलता जुलता है। फलस्वरूप करोड़ों सालों के विकास से शायद चिंपांजी मनुष्य का स्थान ले लेंगे और एक बार फिर से कई करोड़ों सालों के बाद इंसानी सभ्यता का विकास होगा और उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा जो अपनी इस मानव सभ्यता का प्रमाण दे सके, क्योंकि करोड़ों सालों के उथल पुथल से सारे सबूत मिट चुके होंगे। इसी तरह हमारी इस सभ्यता से पहले भी कई सभ्यताएं पनपी होगी और हमारी इस सभ्यता के बाद भी कई पनपेगी। तो दोस्तों, आज का ये सफर यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। आपके दिमाग में जो सवाल आए हैं ना, उन्हें कमेंट करें। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे भी क्लिक करें ताकि ऐसी कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।